आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं और हम सब नेताजी को याद करते हुए आज उन्हें नमन भी करते हैं। और जो आदर्श और जो रास्ता नेताजी ने दिखाया है, आज मैं समझती हूँ हम सबको एक तरह का उन आदर्शों पे चलने का एक शक्ति मिल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी का आशीर्वाद हमेशा सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा। नेताजी आज देश के लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं और उन्होंने जो काम समाज के लिए देश के लिए किए, जो फैसले उन्होंने लिए, मैं समझता हूँ गांव गरीब के जो किसान महिलाएं नौजवानों के लिए जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई और जो लोग पिछड़े हुए थे, जो लोग मुख्य धारा से दूर थे, उनको राजनीति में लाने का काम किया, इसको लोग आज भी याद करते हैं और आज सभी लोग उनको याद कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद उन लोगों के साथ हमेशा रहेगा और जो उनकी सोच थी, जो उनका विजन था, उसका भैया विधानसभा सीट से भी आपको बता रहा है किस तरीके से कदहल विधानसभा का चुनाव संभवतः अगले महीने होगा और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पर खड़ा होता हमने पूरा प्रयास रहेगा और मुझे उम्मीद है कि कदहल के लोग इस बार भी समाजवादी पार्टी हमारी मतों से भैया कदहल विधानसभा में जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनावी जीत हासिल की थी, ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज हुआ कि वो जीत मेंटेन की जाए? देखिए ये चुनाव भी राष्ट्रीय दल के चेहरे पर लड़ा जाएगा क्योंकि उनकी सीट खाली थी, उन्होंने सीट खाली थी और जनता का जो रुझान है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति समाजवादी पार्टी के बहुत ही हर लगाव रहा जुड़ाव रहा, इस चुनाव में भी वोट के माध्यम से वो कैसे योगदान दिया हमारे लिए एलजी ने किया कि समाजवाद को निकालो देश में फैलाया किसानों से लेकर के गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ तक कि सामान्य पब्लिक में बड़े कल्चर बनाए और छात्र और नौजवानों जो किया है वो बुलाया नहीं जा सकता है। नमन करते हैं और उन्हीं के आदर्शों सिद्धांतों का चर्चा समाजवाद को